दोस्तों YouTube पर चैनल क्रिएट करना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तब है जब हमें इस चैनल को ग्रो करना है, हमें इसके लिए व्यूज लानी है और लानी है सब्सक्राइबर्स। अगर हमारे पास ये दोनों चीजें नहीं है तो ना हमारा चैनल ग्रो होगा और ना ही बढ़ेगी हमारी इनकम। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जसप्रीत और स्वागत करता हूँ आपका टेक क्लिनिक हिंदी चैनल में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे टूल के बारे में बताऊंगा जो आपकी इस प्रॉब्लम को कुछ हद तक ठीक कर देगा। यह टूल आपकी इतनी हेल्प कर देगा कि आपको कुछ टैग्स मिल जाएंगे अच्छे वाले, इससे आप अपने चैनल को ग्रो कर सकते हैं, अपने वीडियोस पे व्यूज ला सकते हैं और आपकी जो वीडियो है वो प्रमोट हो सकती है। ये बिल्कुल फ्री टूल है, इसके लिए आपको कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है और ये बिल्कुल लीगल वे है अपने चैनल को प्रमोट करने का। तो चलिए दोस्तों, आज हम अपने क्लिनिक में ऑपरेट करते हैं यूट्यूब की परफॉर्मेंस को। टूल का नाम है ट्यूबबडी। ये एक ऐसी एक्सटेंशन है जो आपके यूट्यूब के लिए ही जनरेट की गई है, जो कि स्पेशली यूट्यूब के जो आपके ऑफिशियल टैग्स होते हैं, जो व्यूज होते हैं, जो सब्सक्राइबर होते हैं, आपकी वीडियोस की रैंकिंग को पता करने के लिए ये जो प्रोग्राम है ये तैयार किया गया है। इसके लिए आपको अपने क्रोम ब्राउजर में जाना है, क्योंकि ये मोस्टली आपके क्रोम ब्राउजर में ही वर्क करता है और फायरफॉक्स में भी करता है, लेकिन सबसे बेस्ट जो इसकी एक्सटेंशन है वो जो आपके गूगल क्रोम में है वहीं पे ये जो वर्क करती है। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको गूगल पे जाना है और वहाँ पे आपको सर्च करना है ट्यूब बडी एक्सटेंशन या ट्यूब बडी फॉर क्रोम। दैन अब आप इस पर क्लिक कर देंगे, जो क्रोम का ऑफिशियल वेब स्टोर है वो आपका ये सामने आ जाएगा। ये देखिए ट्यूब बडी फॉर यूट्यूब, बस आपने इसके ऊपर सिंपली एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके पास ऑप्शन आ जाएगा गेट एक्सटेंशन का, तो मेरे पास ये ऑलरेडी है, तो सिंपली आपका यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा गेट एक्सटेंशन का, वहाँ पे आप क्लिक करके तो ये जो आपकी एक्सटेंशन है ये आपकी यूट्यूब आपके क्रोम ब्राउजर में ऐड हो जाएगी। और उसके बाद आपसे ये मांगेगा आपका आईडी और पासवर्ड, जो कि आपका यूट्यूब चैनल जिस आईडी और पासवर्ड पे चल रहा है बस वो आपने भर देनी है। अगर आप गलत भरेंगे तो ये आपका जो चैनल है वहाँ का जो भी डाटा है वो नहीं कलेक्ट करेगा, तो इसलिए वहाँ पे आपको अपनी सही आईडी और सही पासवर्ड भरना है। जब आप इसको भर लेंगे उसके बाद अपने YouTube के पेज पर जाइए और वहाँ पे अपनी आईडी से लॉगिन हो जाइए। जब आप लॉगिन हो जाएंगे तो ये देखिए यहाँ पे आपके पास एक साइन आ जाएगा, ये है ट्यूबबडी का साइन, आप इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस आते हैं, यहाँ पे कुछ क्विक लिंक्स आते हैं जैसे डैशबोर्ड हो गया, माई वीडियोज़, प्लेलिस्ट, लाइव स्ट्रीमिंग, कमेंट्स, मैसेजेस, आप यहीं से डायरेक्ट सभी मैसेजेस वगैरह पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो असली चीज़ है वो है इधर, ये आपके लिए जो टैग एक्सप्लोरर हैं, क्विक लिंक्स मेन्यूज हैं, बेस्ट टाइम टू पब्लिश है, यहाँ पे आपको एक गाइडेंस दी गई है कि आप कैसे इन चीज़ों को यूज़ करना है। जैसे अब टैग एक्सप्लोरर है, जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको हर एक चीज़ का ट्यूटोरियल दिया गया है, ये आप कैसे वर्क करेगी। अब जैसे अब यहाँ पे देख लीजिए टैग एक्सप्लोरर है, यहाँ पे सारा कुछ बताया गया है कि कैसे आप टैग एक्सप्लोर करेंगे, कैसे आप सर्च करेंगे और कैसे कौन कौन से टैग की कौन कौन सी वैल्यू है, कौन सा टैग ज़्यादा वर्क कर रहा है, कौन सा कम वर्क कर रहा है, उसकी ओवरऑल रेटिंग कितनी है, तो वो सब यहाँ पे आपको बताया जाएगा। ये एक ट्यूटोरियल है, मैं आपको बताऊंगा कि ये सब आपको कैसे सर्च करना है। इसके अलावा ये काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे, जो आप एक बार यहाँ पे विजिट कर लीजिए आपको सारा अंदाज़ा लग जाएगा कि आपने कौन सी चीज़ें कैसे कॉपी करनी है, कहाँ पे आपकी वीडियो स्टैंड कर रही है, आपकी रैंकिंग क्या है, सजेस्टेड टैग्स क्या है आपके वीडियो के लिए, तो वो सभी आप इसमें देख सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें ये सिर्फ एक ट्यूटोरियल के लिए हैं। तो इसके लिए अब ये देखिए यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है एक्सटेंशन टूल, सबसे पहले जो टूल है वो है टैग एक्सप्लोरर। टैग एक्सप्लोरर क्या है, यहाँ पे अगर आप कुछ भी, जैसे आपने देखा होगा जो एडवर्ड है गूगल एडवर्ड, वहाँ पे अगर आप कुछ सर्च करते हैं तो उसके लिए रिगार्डिंग लिंक्स आ जाते हैं, लेकिन वहाँ पे आप इकट्ठा सभी को कॉपी नहीं कर सकते। तो यहाँ पे देखिए फॉर एग्जांपल, अब जैसे मैं यहाँ पे कुछ सर्च करता हूँ हाउ टू डाउनलोड यूट्यूब वीडियो, अब मैंने जैसे यहाँ पे सर्च किया देन यहाँ पे काफ़ी सारी ऑप्शंस आ जाएंगी, कुछ टैग्स आ जाएंगी जो कि मेरे काफ़ी काम आ सकते हैं, तो मैं उनको यहाँ से कॉपी कर सकता हूँ। ये देखिए अब यहाँ पे ये बता रहा है कि अगर आप जो YouTube की उसकी रेटिंग है 35%, डाउनलोड की 35% और YouTube की जो वीडियोज़ अगर मैं टैग डालता हूँ, ये टैग्स हैं जो भी मोस्ट यूज़ किए जाते हैं वो है 25%। वैसे यहाँ पे आपको ज़्यादातर तीन ही टैग शो होंगे, क्योंकि अगर आप इसको अपग्रेड करते हैं तो आपको 224 टैग शो होंगे, तो इसलिए आपको वैसे इसको बाय करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ से अभी मैं एक और चीज़ बताऊँगा जहाँ पे आप दूसरों के टैग भी कॉपी कर सकते हैं और जो कि आपके लिए काफ़ी आसान होंगे।
और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ रहा है टॉप रैंकिंग इन सर्च। ये जो वीडियो है ये आज तक की सबसे ज़्यादा रैंकिंग की वीडियो है, नंबर वन रैंकिंग की वीडियो है, वो भी आपको यहाँ पे शो कर दी जाएगी इसके रिगार्डिंग। वेल, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ रहा है सर्च वॉल्यूम। सर्च वॉल्यूम इसका बीच में है और इसका कॉम्पिटिशन अब बहुत ज़्यादा हाई है, ओवरऑल 31% है। मतलब आप ऐसी वीडियोस ना बनाएं क्योंकि इसकी जो रेटिंग है वो है काफ़ी कम। इसका मतलब ये है यहाँ पे कहने का कि इसका जो कॉम्पिटिशन है वो बहुत ज़्यादा हाई है। अगर आप ऐसी वीडियोस बनाएंगे तो बहुत बहुत कम चांसेस हैं कि आपकी जो वीडियो है वो ऊपर जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे ये सजेस्ट कर रहा है कि आप कुछ ऐसी वीडियो ना बनाएं जिसके पहले ही कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा हाई हो, तो वो आपकी जो वीडियो है आपके काम नहीं आएगी। तो यहाँ से जो जो टैग्स हैं ये आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे कॉपी करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है जो है वीडियो टॉपिक प्लानर, यहाँ पे आप अपने वीडियो के टॉपिक प्लान कर सकते हैं। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप ऐड अ टॉपिक कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ सर्च करने की होता है, लेकिन ये आपका तभी काम करेगा अगर आपका यहाँ पर जो आपने इसका पेड वर्जन लिया हुआ है। तो फिलहाल हमें इसकी जरूरत नहीं है। तो उसके बाद है बेस्ट टाइम टू पब्लिश, यहाँ पे आपकी वीडियो के बारे में आपके चैनल को एनालाइज किया जाएगा। यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए कैलकुलेट बेस्ट टाइम टू पब्लिश। यहाँ पे बताया जाएगा कि आपको अपनी वीडियो है वो आपको कब अपलोड करनी चाहिए। अब जैसे यहाँ पे आ रहा है संडे एट मिडनाइट, तो जब संडे को मिडनाइट है तो वहाँ पे एक अच्छा ऑप्शन है मेरे लिए कि अगर मैं वहाँ उस टाइम वीडियो अपलोड करूँ तो वो एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है जहाँ पे मुझे कुछ व्यूज़ मिल सकते हैं, कुछ सब्सक्राइबर्स मिल सकते हैं। तो अगर आप रिकैलकुलेटर को बेस्ट टाइम टू पब्लिश करेंगे तो इसके लिए आपको ये परचेज करना पड़ेगा। वेल, इसके लिए हमें कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे लिए इतना ही बहुत है कि हमारी जो सी सब्सक्राइब जो हमारी वीडियोस वो हम कब अपलोड कर सकते हैं। तो मैं बताता हूँ कि कैसे आप अपने किसी दूसरे की जो बड़े रैंकिंग की वीडियोस हैं उनके टैग देख सकते हैं, उन सभी को एक ही बारी में कॉपी करके अपने जो वीडियो बना रही है उसमें आप पेस्ट कर सकते हैं। वेल, ये एक लीगल वे है, इसके लिए आपको यूट्यूब की कोई पेनल्टी या कोई कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने अभी एक वीडियो डाउनलोड की अपलोड की हुई है, मैं इसकी एडिट में जाता हूँ और एडिट पे जाने के बाद यहाँ पे जो मेरे पास ऑप्शंस आएंगे टैग के लिए, वेल, मैंने यहाँ पे अभी कोई भी टैग नहीं डाला है, सिर्फ एक ही टैग डाला हुआ हाउ टू स्टार्ट गेम। मैं चाहता हूँ कि इसके रिगार्डिंग मेरे को और जो वीडियो हैं, जो बेस्ट वीडियो है, उसका मेरे को यहाँ पे कुछ टैग्स मिल जाएँ। तो मैं सेम अपना ये जो टाइटल है मैं इसी को कुछ ऐसा ही सर्च करूँगा इसके रिलेटेड। देन इसके बाद आपने क्या करना है, सिंपली आप इसके ऊपर राइट क्लिक कर दीजिए, यूट्यूब के ऊपर एक इसको नई विंडो में ओपन कर लीजिए और यहाँ पे जाके जब आप सर्च करेंगे तो आप अपना जो टाइटल है वो आप सर्च कर सकते हैं जिसके रिगार्डिंग आप वीडियो बना रहे हैं। आप सिंपली यहाँ पे इसको पेस्ट कर दीजिए या आप कुछ टाइप करके भी सर्च कर सकते हैं। आप देखिए, मैंने यहाँ पे सर्च कर लिया हाउ टू स्टार्ट गेम्स इन विंडोज। वेल, अब तक की जो सबसे बड़ी वाली जो वीडियो है वो है ये, इसके ऊपर सबसे ज़्यादा व्यूज़ आए हुए हैं और यहाँ पे आपको सब कुछ पता भी लग जाएगा अब तक कि कितने रिजल्ट हैं, ये कितनी वीडियोस हैं इसके रिगार्डिंग यहाँ पे। तो मान लीजिए ये जो 5 साल पहले जो वीडियो डाली गई थी इसके ऊपर इतने व्यूज थे और आज तक की सबसे नंबर वन रैंकिंग पे यही वीडियो चल रही है। तो बस आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जब आप इस वीडियो के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप इसको यहाँ से पॉज कर दीजिए। पॉज करने के बाद देखिए यहाँ पे इसके रिगार्डिंग सब ऑप्शन आ गए हैं। यहाँ पे आ गया है टैग्स। अब आप टैग्स पर क्लिक करें, इस बंदे ने आज तक जितने भी यहाँ पे टैग्स डाले हुए हैं वो सभी आपके सामने आ जाएंगे। तो आपने इनको क्या करना है, आपको सिंपली एक एक करके कॉपी करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए कॉपी टू पे क्लिक करने के, अब यहाँ पे पास आपके पास ऑप्शन आ रहे हैं, जो भी इसने टैग डाले हैं वो सभी यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहे हैं। अगर आपने जो जो सा आपको अच्छा लग रहा है वो आप रख सकते हैं, और अगर आपको सभी करने हैं तो आप सभी भी रख सकते हैं। और यहाँ पे क्लिक कर दीजिए कॉपी टू क्लिक बोर्ड। जब आपने यहाँ पे क्लिप कॉपी कर दिया, बस आप अपनी वीडियोस में जाइए, वीडियो में जाके जहाँ पे टैग्स हैं वहाँ पे जाके कंट्रोल वी प्रेस कर दीजिए, जो भी उसके टैग्स हैं वो सारे आपकी वीडियो में आ जाएंगे। इसी के अलावा आप 2-3 वीडियोस देख लीजिए जो भी इसके रिगार्डिंग अच्छी वीडियोस हैं, बस उनके आपने टैग्स कॉपी करने हैं और उठाकर अपने अपनी वीडियो है उसमें जाकर पेस्ट कर देने हैं। तो दोस्तों, जो टैग होते हैं वही सबसे अच्छी जो वीडियो को आपकी रैंकिंग में लाती हैं। टैग्स ऐसी चीज़ है जो आपको दिखती नहीं है किसी को, लेकिन जब आपकी वीडियो को या किसी भी वीडियो को कोई सर्च करता है तो टैग में ही टैग्स ही सर्च होते हैं वहाँ पे, और टैग्स कुछ लोग नहीं डालते हैं। तो मैं उनको यही सजेस्ट करूँगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा टैग डालिए, बढ़िया से बढ़िया टैग डालिए जो कि आपकी वीडियोज़ को रैंकिंग में ला सके। और आप किसी की भी वीडियोज़ के अगर आपने जो टॉपिक चूज़ किया है उसके रिगार्डिंग अगर आप कोई भी
इसका टैग देखना चाहते हैं तो आप बस आप सिंपली अपने गूगल पे यूट्यूब पे आप उस वैसा ही आप जो टॉपिक है उसको सर्च कीजिए, उसके ऊपर क्लिक कीजिए और वहाँ पे आपके पास अगर आपकी ट्यूबबडी एक्सटेंशन है तो वहाँ पे टैग्स आ जाएंगे, टैग्स को आप कॉपी करके अपने जो वीडियो है वहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। तो इससे आपकी जो यूट्यूब की वीडियो है उसकी रैंकिंग अच्छी होगी, आपके व्यूज़ आने लगेंगे, आपके सब्सक्राइबर आने लगेंगे और आपकी जो वीडियो है वो सर्च होने में आने लगेगी। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, साथ में दिख रहा होगा आपको एक बेल आइकन, वहाँ पे आप क्लिक करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आने वाले दिनों में मैं आपके लिए कुछ वीडियो शूट करूंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है। तो तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं हम अगली वीडियो में।